डिम्ड प्रोस्पेक्टस। डिम का मतलब क्या होता है? हम मानते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, रियल थोड़ा अलग है लेकिन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। विशाल है, वो किसी के साथ जा रहा है तो हदीब पे वो रोहित को बोलेगा विशाल की शादी हो गई है, क्यों? मैंने जाते हुए देखा। तो रोहित कह रहे नहीं वो तो ये नहीं थे वो थे। हदीब का ऐसा नहीं हो सकता है, डीम्ड हदीब ने मान लिया, एक्चुअल में हो सकता है नहीं हो सकता है डोंट नो, डीम मान लेना। हम डीम प्रोस्पेक्टस मानते हैं, ऑफर को सेल है ना, जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं कोई कंपनी को फॉर्म सेल दे देते हैं बल्क में, वो पब्लिक को इश्यू करती है, पब्लिक को इश्यू करने के लिए उसको ऑफर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट का यूज करती है, सर्कुलर ऑर्डर एडवर्टाइजमेंट कुछ भी यूज करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीम टू बी प्रोस्पेक्टस, इट्स नथिंग बट डीम प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज अ डीम प्रोस्पेक्टस? सबसे पहले कंपनी है अलॉट और एग्री टू अलॉट द सिक्योरिटीज, कंपनी से वो सिक्योरिटीज अलॉट कर रही है, वो अलॉट करने के लिए एग्री हो रही है। आप ऑल और एनी ऑफ देम सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू द पब्लिक, सबसे पहले वर्ड है अलॉट करने का है, दूसरा है आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो, थर्ड उसके लिए पब्लिक को ऑफर करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट आप यूज करते हो उस डॉक्यूमेंट को हम डीम प्रोस्पेक्टस मानते हैं। Now, presumptions as to the deemed prospectus. जो presumptions हम deemed prospectus कब मानेंगे? हमने X को share दिया और X ने market में issue किया, तो उसके लिए जो X ने document use किया उसको हम deemed prospectus कब मान सकते हैं? जब हमने किसी को दिया उसने 6 महीने के अंदर public offer किया है, public offer हुआ है within 6 months, public offer हुआ है within 6 months. एंड होल कंसिडरेशन है ना वो हमें नहीं मिला है, होल कंसिडरेशन जो हमने एक्स को दिया था एक्स ने हमें होल कंसिडरेशन नहीं मिला है। कब तक? जब पब्लिक को ऑफर किया तब तक। मैं कंपनी हूँ, मेरा एक कंपनी चल रहा है, मैंने हेमल पार्टनरशिप फर्म को ऑफर को सेल के लिए सेल दिया हुआ है, मैंने उसको दिया उसके 6 महीने के अंदर उसे पब्लिक को इन्वाइट किया, पब्लिक को उनसे इनवाइट किया तब तक मुझे उसने पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो उसने जब पब्लिक को इनवाइट किया है ना तो वो डॉक्यूमेंट डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, 6 महीने के अंदर उसको इश्यू करना है और मुझे पूरा पेमेंट नहीं किया होना चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। एक बार कोई भी डॉक्यूमेंट डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानोगे तो उसके सब इनेक्टमेंट रूल्स लॉ वो सब है प्रोस्पेक्टस के ही अप्लाई होंगे, उस डॉक्यूमेंट को सब लोग सब जो रूल्स है वो रिलेवेंट टू द प्रोस्पेक्टस अप्लाई होंगे। उस डॉक्यूमेंट में कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगा तो मिसस्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, यानी उसका जो प्रोस्पेक्टस में मिसलीडिंग का जो पेनल्टी है ना लायबिलिटी है ना वो इसमें भी खड़ा हो जाएगा। जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में डाला हुआ है वो पर्सन भी लायबल होगा, वो पर्सन भी लायबल होगा। नाउ कंटेंट्स ऑफ डीम प्रोस्पेक्टस, डीम प्रोस्पेक्टस है वो अंडर सेक्शन 26 में जो दिखाया है वो सब इंफॉर्मेशन तो देना ही है, उसके अलावा आपको डीम प्रोस्पेक्टस में कंपनी को कितना कंसीडरेशन मिला है, नेट कंसीडरेशन कितना कंपनी को मिला है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफर, आपको डीम प्रोस्पेक्टस में कितना अभी तक कंपनी को कंसीडरेशन मिल गया है वो, और आपका और कंपनी का प्राइवेट प्लेसमेंट और फॉर्म और कंपनी का जो एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप कहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसका टाइम एंड प्लेस कहाँ पे आप इंस्पेक्ट कर सकते हो उसका टाइम एंड प्लेस भी आपको मेंशन करना है। नाउ साइनिंग ऑफ डीम प्रोस्पेक्टस, आप जब मार्केट में पब्लिक को ऑफर फॉर सेल के लिए बोलते हो तो उस डॉक्यूमेंट में भी आपका साइन होना चाहिए, उसके लिए पर्सन मेकिंग फॉर द ऑफर है ना उसमें एटलीस्ट 2 डायरेक्टर की साइन होनी चाहिए, और इफ इश्यू जो कर रही है वो कंपनी है तो 2 डायरेक्टर एंड अदर देन कंपनी यानी फॉर्म है तो मोर देन 50% पार्टनर का साइन होना चाहिए, बाद में ही वो डॉक्यूमेंट आप पब्लिक डॉक्यूमेंट को इन्वाइट कर सकते हो, उसको आप प्रोस्पेक्टस बोल सकते हो। आपने किसी को ऑफर देने के लिए बोला है
वो कंपनी है तो दो डायरेक्टर, वो फर्म है तो 50% से ज्यादा पार्टनर का साइन होना चाहिए। ऑफर ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कई बार कंपनी ने बल्क ऑफ द शेयर परचेस कर लिया है, अभी कंपनी ने मेंबर ने बल्क ऑफ द शेयर परचेस किया है, मेंबर ने कंपनी को बोला अभी ये मेरा से बेच के दे दो ना मुझे। कई बार क्या होता है, बिल्डर लोग होते हैं ना, कहीं पे भी वो ओपनिंग करते हैं ना तो बोलते हैं 25 में से 20 हमने फ्लैट बुक कर दिए, बीच की बिक गए, वो इंटरनल सर्कल में ही होते हैं, लोगों ने बोला था ये 5 लाख है लेकिन ये आपको ही बेच के मुझे देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बेचने का बिल्डर का ही होता है, कौन पेपर बुकिंग करवा लेते हैं, क्यों तो बोल सकते ना ये सब रीसेल है, उसका रिप्रेजेंट बढ़ जाता है। अभी तो उसका खात मुहूर्त हुआ, स्टार्ट हुआ ना उसी दिन उसका पूरा बुकिंग हो गया, इतना नाम वाला बिल्डर है। रेपुटेशन होती नहीं, रेपुटेशन खड़ी करनी पड़ती है, लोग रेपुटेशन खड़ी करते हैं, सभी का ऐसा होता है मैं नहीं बोल सकता, लेकिन थिंग इज देट मैं इतना बोलना चाहता हूँ उसी तरीके से कि यहाँ पे आपने मेंबर को जो शेयर दिया था एज पर सेक्शन 28 टाइमिंग इन्फोर्स ऑफ एनी लॉ, सर्टेन मेंबर कंपनी को बोल रहे हैं कि हमारे से मार्केट में बेच के हमें दो, सपोज टू ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक, मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंसल्टेशन लेके और ये प्रोसीजर प्रिस्क्राइब फॉर्म में फॉलो कर सकते हैं। तो ये जब मेंबर के शेयर थे कंपनी ने मार्केट में इश्यू करने के लिए ऑफर किया है तो वो डॉक्यूमेंट में डीम्ड टू बी प्रॉस्पेक्टस माना जाएगा, उसके भी लायबिलिटीज है, कंटेंट्स है, वो इस पर प्रॉस्पेक्टस होने चाहिए। और उसी तरीके से आपको ये कंटेंट्स है उसका और लायबिलिटीज का प्रॉस्पेक्टस का रूल है वो डीम्ड प्रॉस्पेक्टस में माना जाएगा। और जब मेंबर्स है वो कंपनी को अपने बिहाफ एक्ट करने का बोलेगा तो मेंबर्स वो शेयर प्रपोज टू बी ऑफर्ड टू द पब्लिक, मेंबर्स है जो कंपनी के को शेयर बोलने बेचने का बोल रहा है, कलेक्टिवली ऑथराइज द कंपनी, वो कलेक्टिवली ऑथराइज कंपनी को करती है, सब मेंबर्स साथ में मिलकर कंपनी को बोलते हैं हमारे से बेच, तो उसके लिए कंपनी के पास पावर्स एक्शन लेने के भी अराइज हो जाते हैं। अनदर थिंग, जो एक्सपेंडिचर कंपनी पब्लिक को ऑफर करने में करेगी वो एक्सपेंडिचर रीइंबर्स का भी राइट, वो एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट का भी राइट है वो कंपनी को है, कंपनी रीइंबर्स करवा सकती है। नाउ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, इसके सब है कंपनी, वो तो आप सीपीटी से सीख रहे हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला कांसेप्ट। सबसे पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंडीशंस फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आपको दो कंडीशन है, कोई भी पर्सन ने आपको शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उसको अलॉट करने की दो कंडीशन है, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ही आप अलॉट कर सकते हैं। सबसे पहले अमाउंट रिटेड इन द प्रोस्पेक्टस, जो अमाउंट प्रोस्पेक्टस ने बोला है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हो गया है, यानी आप किसी को भी शेयर अलॉट करने से पहले आपका कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हुआ या नहीं वो देखो। सेकंड, सम पेबल जो है एप्लीकेशन है उसके लिए आप जो चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट रिसीव हुआ या नहीं वो देखो। इन शॉर्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हो जाना चाहिए और जो एप्लीकेशन मिली है उस एप्लीकेशन का चेक और इंस्ट्रूमेंट वो भी आपको रिसीव हो जाना चाहिए, बाद में आप सिक्योरिटी का अलॉटमेंट कर सकते हो। आपका अलॉटमेंट नॉट लेस देन 5%, यानी एप्लीकेशन मनी है वो 5% से कम नहीं होना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू के 5% मिनिमम एप्लीकेशन मनी होना चाहिए, और एज में भी प्रिस्क्राइब बाय सेबी एक्ट, जो पहले 25% ऑफ इश्यू प्राइस बोला था, 5% और 25% ऑफ इश्यू प्राइस, 5% नॉमिनल वैल्यू एज पर कंपनी से एंड एज में भी प्रिस्क्राइब बाय सेबी एक्ट, दैट शुड बी योर मिनिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव। कंपनी सेल अलॉट कब कर सकते हैं शेयरहोल्डर्स को, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हो जाता है तो कितने टाइम में इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस के 30 दिन के अंदर, इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस के 30 दिन के अंदर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हो जाना चाहिए और अदर क्लियर एज में भी प्रिस्क्राइब बाय सेबी 30 दिन के अंदर, और सेबी ने जो बोला उतने दिन के अंदर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो जो मनी आपको मिला है वो मनी आपको रिफंड करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा,
होल मनी रिसीव्ड शैल बी रिटर्न्ड, आपको मनी मिला है वो वापिस करना पड़ेगा। नाउ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है उसके लिए आपका कितना इश्यू था, कितनी आपकी एप्लीकेशन मिली है, कितना आपने अलॉट किया है, उस कितना एप्लीकेशन मनी मिला है, कितना अलॉटमेंट मनी मिला है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको इस रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में डालना है। नाउ डिफॉल्ट, समझ लो कुछ भी डिफॉल्ट हुआ तो ईच डे 1000 और 1 लाख व्हिच एवर इज लेस तक लायबल, 1000 और 1 लाख व्हिच एवर इज लेस इज लायबल। अभी एक्ट ने जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए बोला है उसी मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए रूल नंबर 11 क्या बोलता है, इश्यू प्रोस्पेक्टस के 30 दिन के अंदर आपको नहीं मिलेगा तो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इश्यू नहीं होगा तो नेक्स्ट 15 डेज में आपको मनी रिटर्न करना है। आप नेक्स्ट 15 डेज में रिटर्न नहीं करोगे तो जॉइंटली एंड सिवरली 15% इंटरेस्ट के साथ पे करने के लिए आप लायबल रहोगे। मैनर ऑफ रीपेमेंट, रीपेमेंट कैसे करना है, जिस अकाउंट में से मनी आए हैं उसी अकाउंट में रिफंड करने पड़ते हैं, इसीलिए सजेस्टिव है जब तक से अलाउड नहीं होता है तब तक आपका एप्लीकेशन मनी वाला अकाउंट क्लोज मत करवाओ, क्योंकि जिस बैंक से आपने एप्लीकेशन मनी पे किया है रिफंड आएगा तो उसी बैंक में आपका रिफंड आएगा। स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट सिक्योरिटीज यानी पब्लिक को जब ऑफर करते हो तब वो लिस्टेड कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी को पब्लिक को ऑफर करने से पहले अपनी सिक्योरिटी से वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना है, तो सिक्योरिटी भी डेल्ट इन द स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर परमिशन फॉर लिस्टिंग, जब कंपनी है वो ऑफर करती है पब्लिक को, जब प्रोस्पेक्टस रिसीव करती है तब कंपनी को प्रोस्पेक्टस में एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज का नाम लिखना पड़ता है, किसी स्टॉक एक्सचेंज में हमने एप्लीकेशन की हुई है उसी एप्लीकेशन हमने इसी स्टॉक एक्सचेंज में जो एप्लीकेशन की है उसका नाम हमें लिखना पड़ता है। अनदर थिंग, एप्लीकेशन मनी जो हमें मिलते हैं वो हमें सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने होते हैं, एप्लीकेशन मनी है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, इसीलिए ऑल मनी जो यूटिलाइज हुआ है, ऑल मनी जो यूटिलाइज हुआ है वो जिस पर्पज से बोला है उसी पर्पज के लिए होना चाहिए, वो भी हमें लिखना है। सबसे पहले सेपरेट बैंक अकाउंट फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग यूटिलाइज इन द मैनर डिस्क्राइब इन द प्रोस्पेक्टस, जिस पर्पज के लिए बोला था उसी पर्पज के लिए आपको फंड यूज करना है, कोई भी सरकमस्टेंसेस में आप वो मनी यूज नहीं कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी अलॉट नहीं कर सकते हैं तो वो आपको रिफंड कर देना है। कोई भी कंडीशन प्रोस्पेक्टस में ऐसी नहीं हो सकती है कि जिस कंडीशन की वजह से कंपनी सेक्ट का कोई भी रिक्वायरमेंट कंप्लायंस है वो वेव हो जाए, यानी कंपनी सेक्ट ने जो बोला है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करना, इतना इंटरेस्ट में रिफंड करना, इतना इंटरेस्ट पे करना, वो सब कंडीशन के ओवरराइड होके कोई भी कंडीशन आपने प्रोस्पेक्टस में डाला है तो वो वॉइड है। आपने कोई भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन ब्रीच की तो आपको फाइन आएगा 5,00,000 से 50,00,000, फाइन आएगा 5,00,000 से 50,00,000। एंड हर एक ऑफर है जिसमें डिफॉल्ट है उसमें इम्प्रिजनमेंट 1 साल एंड फाइन आएगा 50,000 से 3,00,000, फाइन आएगा 50,000 से 3,00,000। अंडरराइटिंग कमीशन, व्हाट इज अंडरराइटिंग कमीशन, सेक्शन 40 एंड रूल 13 प्रिस्क्राइब। सबसे पहले सेक्शन 40, अंडरराइटिंग का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट यू अंडरटेक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज, कोई बीच वाला थर्ड पार्टी जो आपको ऐसा बोल रहा है कि कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं होगा तो हम उसके से परचेस कर लेंगे, वो क्या है, वो और कुछ नहीं लेकिन वो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला पर्सन है वो अंडर राइटर है, वो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंडीशन फॉर पेमेंट, कंडीशन फॉर पेमेंट में जब कंपनी मे पे कमीशन, कंडीशन फॉर पेमेंट में आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहाफ में आपको कमीशन पे करना होता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन आपको कमीशन पे करना होता है। अनदर थिंग रूल 13, आपको सेक्शन है तो डिस्क्राइब कर दिया कि आप सब्सक्राइब का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसके लिए आपको कमीशन पे करना, लेकिन कितना कमीशन पे करना, कौन सी कंडीशन के बेस पे करना वो आपको दिया हुआ है।
पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन ऑथराइज बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, वो कमीशन ऑथराइज बाय आर्टिकल होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग दैट इज द प्रोसीड्स ऑफ इश्यू, आप जो अंडरराइटिंग कमीशन पे करते हैं, कंपनी जो अंडरराइटिंग कमीशन पे करती है, जो ऑथराइज बाय आर्टिकल है, वो आप सबसे पहले फ्रॉम द न्यू इश्यू कर सकते हैं और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में से कर सकते हैं, फ्रॉम द न्यू इश्यू कर सकते हैं, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में से भी कर सकते हैं। अनदर थिंग, आपका कमीशन कितना, अंडरराइटर का कमीशन कितना, सेल है तो मैक्सिमम 5% और ऑथराइज बाय आर्टिकल व्हिच एवर इज लेस, अदर देन सेल है तो डिबेंचर 2.5% और ऑथराइज बाय आर्टिकल व्हिच एवर इज लेस। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या आपको लिखना है, अंडरराइटर का नाम लिखना है, उसका कितना कमीशन पे करेंगे, कितना उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, कौन सी सिक्योरिटीज का उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, वो सब भी आपको लिखना प्रोस्पेक्टस में है। आपको अंडरराइटिंग कमीशन तभी ही पे कर सकते हैं जो इसे आपने पब्लिक को ऑफर किया है, पब्लिक को ऑफर नहीं किया वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करने के टाइम आपको अंडरराइटिंग का कॉपी रजिस्ट्रार को डिलीवर भी करना है, रजिस्ट्रार को डिलीवर भी करना है। फ्रेंड्स, आपको 2003 में, 8 में, 10 में एंड 15 में कंडीशंस पूछा है कि आप कमीशन कितना पे कर सकते हैं, 5% इन केस ऑफ सेल एंड 2.5% इन केस ऑफ द डिबेंचर, वो आपको याद रखना है, यानी होता है इसमें आर्टिकल 5% व्हिच एवर इज लेस यू मस्ट पे एज ए अंडरराइटिंग कमीशन। If you like this video, share to your friends, subscribe YouTube channel Tejwani Institute and visit the website catejwani.com. Thank you very much.